हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एचपी सीरीज़ पार्ट टू है। इससे पहले मैंने पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हिमाचल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए हम क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो ये रहा सबसे पहला प्रश्न, हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन है महेश्वर सिंह, पदम सिंह, बहादुर सिंह, जगत सिंह। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह के बारे में हम कुछ डिटेल जानते हैं। तो राजा जगत सिंह ने टिपरी के ब्राह्मण की आत्महत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राजपाट रघुनाथ जी को सौंप दिया। ठीक है, तो जगत सिंह ने 1653 याद रखना, 1653 ईस्वी में दामोदर दास जो कि एक ब्राह्मण थे, से रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवा कर उसको स्थापित करके राजपाट उन्हें सौंप दिया। ठीक है, तभी वो इस दोष से मुक्त हुए थे। राज जगत सिंह के समय से ही कुल्लू का दशहरा जो कि ढालपुर मैदान में होता है, वो तभी से उसको राज जगत सिंह के टाइम से समय से इसको बनाया जा रहा है। तो ये थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू राजा जगत सिंह। द नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवाद करवाया? तो मोहम्मद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक, इजुद्दीन खालिद या नादिर शाह। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे आक्रमण किया था 1365 ईस्वी में, तो उस समय कांगड़ा के राजा थे रूप चंद। ठीक है, याद रखना आपको। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो कि ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गए थे, और उनको फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था इजुद्दीन खालिद खानी ने। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिला के साथ साझा नहीं करता? इसके ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी। तो आइए हम उसको देखते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ बीच में रखते हैं हम कांगड़ा, कांगड़ा। ठीक है, हम कांगड़ा के नॉर्थ में जाएंगे सबसे पहले। तो नॉर्थ में पड़ता है चंबा। ठीक है, अब जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पड़ता है लाहौल एंड स्पीति, और जब हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पड़ता है कुल्लू। जब हम थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पड़ता है मंडी। ठीक है, हम साउथ में आएंगे तो यहाँ पड़ता है हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पड़ता है बेस्ट, तो इसके साउथ वेस्ट में रहेगा ऊना। ठीक है, और बेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक ये पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो हम आईएएस को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कौन कौन सी इसने ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चंबा ठीक है, इसके बाद ऊना भी आ गया, मंडी भी आ रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका बोला, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर नहीं करता, मतलब ऐसा कौन सा जिला है। तो बिलासपुर है इसका सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्कंडा खड़ फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मार्कंडा खड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? इसके ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, कांगड़ा। तो इसका पहले सही आंसर देखते हैं सिरमौर।
अब देखते हैं कि जो मार्कंडा खड है इसका उद्गम स्थान है, इसका उद्गम स्थान है बड़ावन, बड़ावन जो कि कटाशन में है, कटाशन। और ये सिरमौर जिले को कहाँ पे छोड़ती है, छोड़ती है मतलब ये छोड़ती है कालाअंब के पास, ये भी आपने याद रखना कि कहाँ पे छोड़ती है, कालाअंब से छोड़कर ये हरियाणा में चली जाती है। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, उद्गम है बड़ावन कटाशन और ये सिरमौर जिले को छोड़ती है कालाअंब के पास और हरियाणा में इसका प्रवेश कर जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशंस मार्कंडा खड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है। ऑप्शन है कांगड़ा, बिलासपुर, किन्नौर, चंबा। तो इसका सही आंसर है किन्नौर। ठीक है, नाको लेक कहाँ पे है, किन्नौर, और इसकी हाइट है 3662 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये थे 5 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश से। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।